वो साजिदा, मिसेस मुस्तफा की कॉल आई थी। आपको क्यों कॉल किया उन्होंने? वही तो बात बता रही हूँ मैं तुम्हें, उन्हें हमारी रानिया बहुत पसंद आई है और उनके बेटे को भी। लेकिन भाभी, मुझे वो लोग जरा अजीब से लगे हैं, मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम मेरी बात तो सुनो पूरी, वो कह रहे थे किसी दिन हमारे घर आके हमारा घर बार तो देख लें। मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं मान रहा, आप उन्हें मना कर दे। क्या हो गया साजिदा, वो कौन सा तुमसे कह रहे हैं कि गन पॉइंट पे निकाह कर दो, घर चलकर देख लो ना उनके। जब वहां करना ही नहीं है तो घर देखकर क्या करना है साजिदा? ये तो कोई बात नहीं हुई ना, जो भी रिश्ता लेकर आएगा वो ये सब सवाल जवाब तो करेगा ना। नायला, ये वही साजिदा ना सुना था जिनके दामाद जो है वो किचन में जलकर मर गए थे। वैसे मर्दों के जलकर मरने की वजह कुछ कम ही बनती है। मतलब ड्रामों और फिल्मों में हमने देखा है कि अक्सर लड़कियां ही जलती हैं। अब तुम क्या हर एक को जवाब देके इस तरह से टाल दोगी क्या? पास लोग हैं बाहर, आपने सुना नहीं था? सुना नहीं था वो दानिश के हवाले से कैसे बातें कर रहे थे? सवालात तो करेंगे क्योंकि ना वो हमें जानते हैं ना हम उन्हें। अपनों से वैसे ही तुम्हें मसला है और गैरों में तुम्हें रिश्ता करना है तो फिर भुगतो। फुकोट से एक मामा, बस कर दें, नहीं करना चाहती मैं हमजा से शादी, छोड़ दें इस टॉपिक को। आप मुझे शदीद गुस्सा है रानिया तुम्हारे इस रवैये पे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी के अभी जाकर तायमी को मना करते कि हमारे घर में कोई दूसरा रिश्ते वाला नहीं आएगा। खत्म हो गई है ये बात, कोई नहीं आना चाहिए हमारे घर। जो करना होगा हम खुद कर लेंगे, हम खुद देख लेंगे। बहुत अच्छा लड़का है वो, और उसका बिजनेस भी स्टैब्लिश है और फैमिली भी अच्छी है, तो और क्या चाहिए तुम्हें? ताई अम्मी थी? हाँ। क्या कह रही थी? बस ये कह रही थी कि वो मिलना चाह रही हैं तो आ रही हैं भी थोड़ी देर। आजकल कुछ ज्यादा नहीं आपसे बातें करने लगी हैं रानिया? एक तो वो तुम्हारे रिश्ते के लिए भाग दौड़ कर, और तुम उनके बारे में इस तरह से बात कर रही हो। रियली? क्या मसला है तुम्हारा? तुम जब भी उनके लिए बात करती हो तुम्हारे लहजे में ऐसा तंज क्यों होता है? क्योंकि मेरी माँ से ज्यादा उनको मेरे रिश्ते की परवाह होती है, तो हैरत हो रही है मुझे। शुक्र करो तुम्हारे रिश्ते से इनकार को उन्होंने अपनी अनाख का मसला नहीं बनाया, वरना लोग तो रिश्ते से इनकार पे अपना रिश्ता ही तोड़ देते ऐसे लोगों से। मेरी इस लाइन में तो सोचा ही नहीं था, ऐसे साथ है तो बड़ा सर्फ है ताई। मुझे पहले शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने की है, तो ठीक है आप भी फिर देख लीजिएगा, मैं रानिया के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। दिखाती रहे इसी तरह रिश्ते से। वैसे तुमने तो बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया था उस लड़के के सामने अपने और रानिया के बारे में बताकर, लेकिन शुक्र करो कि वो लड़का शरीफ निकला, उसने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। मुझे समझ नहीं आता, अब जब कोई रुकावट नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है रानिया से? मैं तुम्हें नहीं समझा सकती हमसा, और मजीद ना इस टॉपिक में अपना वक्त जाया नहीं कर सकती, समझ गए? ज़्यादा मत सोचो, रानिया के जोड़ का रिश्ता है।
कम उम्र भी है। देख लो ना, फैमिली भी तो अच्छी है ना। की सारी बातें ठीक है, लेकिन मुझे कुछ बातें खटक रही हैं। वो अनजान लोग हैं, एक तो हम लोग उन्हें जानते नहीं, दूसरा ये कि लड़का भी एस्टैब्लिश नहीं है अपने काम में। वो तो सिर्फ अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा है, उसका अपना बिजनेस तो है ही नहीं। और फिर देखा था मिसेस मुस्तफा क्या कह रही थी, आपके पहले दामाद का सुना है कि किचन में जल के डेथ हो गई, सारी जिंदगी ताने देना। साजिदा तू बाल की खाल निकाल रही हो, देख लेते हैं ना, क्यों परेशान हो रही हो तुम। मैं हूं ना, संभाल लूंगी सब कुछ। एक मिनट मामा, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं, आप उनको हाँ कह दो। के लिए लड़की फाइनल कर ली था यम्मी ने? हाँ, तीन चार लड़कियां बता रही थी कि उन्हें पसंद आई हैं, लेकिन अभी बकायदा तौर पर रिश्ता लेने नहीं गई। अच्छा है, जितना जल्दी करें अच्छा ही होगा। अरे उनका बस चले तो वो तो आज शादी करते हैं हमसे। तो फिर देर किस बात की करेंगे? लड़के की माँ है ना, खूब से खूब तर की तलाश में होंगी। लड़का चाहे तलाक याफ्ता ही क्यों ना, उसे कोई ना कोई चांद जैसी बेदाग लड़की मिली जाती। ये तो बस बेचारी लड़कियां ही होती हैं, कांच के गुलदान की तरह, एक मर्तबा बाल आ जाए तो फिर चाहे कितनी ही बहारें क्यों ना आए, फिर कभी उनके नसीब में फूल नहीं रहता। हमें क्या है, जो मर्जी करें, जहां मर्जी अपने बेटे की शादी करें, हमें उससे क्या। मम्मा मैं सोच रही हूँ मैं कोई एनजीओ ज्वाइन कर लूं, लोगों की मदद करना चाहती हूँ। रानिया, दूसरों की मदद करने से पहले अपनी जिंदगी तो संवार लो, फिर कर लेना औरों की मदद। मेरी जिंदगी तो अच्छी भली, लेकिन मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बेटा, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। ठीक कह रही हैं आप चाची, बहुत अच्छा ख्याल है। बहुत तंग करने लगी है अभी। रानिया ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए, ये कैसे हो सकता है?
ये हो चुका है निहाल साहब, आप और आपका बेटा ना खुशफहमी के जंगल में भटकते फिरे। अरे कहाँ पे खुशफहमी के जंगल में, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो तो किसी से शादी करना ही नहीं चाह रही थी, ये अचानक क्या हुआ कि उसने इतना बड़ा डिसीजन इतना करके ले लिया। क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है ना निहाल। तुम्हें बात करनी चाहिए थी साजिदा भाभी से। भाई पहला हक हमारा है, हमें ना करने के बाद हमारे बाद जो आया उसको हाँ कर दी, ये कुछ तुक बनता है। निहाल इज्जत नफ्स भी ना किसी चीज का नाम है, मैं वहाँ पर बार बार जाके खुद को हल्का नहीं कर सकती, जबकि मुझे मालूम है कि वो लोग। तुम मुझे सिर्फ एक बात समझा दो, हमजा को कैसे संभालोगी, ये उसके लिए बहुत बड़ा शॉकर है, पहले इतनी मुसीबत से संभाला था, अब क्या करेंगे। हाँ बस यही परेशानी वाली बात है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। वो ना सुने मैं भी नहीं सुनता, मैं खुद जाकर साजिदा भाभी से बात करूंगा, ये गलत है, मैं खुद मुकदमा लड़ूंगा अपने बेटे का, ये मैं नहीं होने दूंगा। नो, मैं जा रहा हूँ। अरे निहाल मेरी बात तो सुने, निहाल रुकिए, निहाल। तुम्हारे घर वाले इतना प्यार और मोहब्बत करते हैं उसको, मुझे जाने ही नहीं देते। क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कितने खतरनाक आदमी हो तुम और किसी खास मकसद से आए हो। हाँ वैसे मकसद तो काफी खास है। आप ना मेरे चचा का पीछा छोड़ दें, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लगता है आज ईद का चांद दोपहर में निकल आया। ईद का चांद तो नहीं निकला, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें दिन में तारे नजर आने वाले। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ है। आपने हमजा के मुकाबले में रानिया का रिश्ता किसी और के साथ कर दिया है। क्या बुराई है मेरे बेटे में? निहाल भाई उसमें कोई बुराई नहीं, वो लड़का हीरे जैसा है। तो फिर हमारे साथ ये मजाक आपने क्यों किया? पहला हक हमारा था। निहाल जरा तहम। हम बात कर रहे हैं, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। जी, जब तक आप मुझे असल वजह नहीं बताएंगे कि आपने रिश्ता वहां क्यों किया और हमजा को रिजेक्ट किया, मैं यहां से नहीं उठूंगा। बस यूं समझ लेना कि हम। आप खामोश हो जाइए, मैंने आपसे कहा है कि प्लीज। आई वॉन्ट टू नो। कितनी बार समझाया मैंने, क्यों नहीं समझती हो तुम? हमजा का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मैंने किसी को बांध कर नहीं रखा था यम्मी, वो आजाद है। वो अब भी तुम्हारी कैद के दायरे में रहता है, तुम्हारे लिए आगे पीछे दौड़ता रहता है। तायमी मेरा यकीन करें, मेरा उससे कोई लिंक नहीं है और अब तो मैं बात भी नहीं करती उससे। तो उसे समझाओ, उसे बताओ कि वो मूव ऑन करे। जो वो चाहता है वो कभी भी नहीं हो सकता, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है वो तुम्हारे पीछे? निहाल हो सकता है कि हमजा की किस्मत में रानिया। आप किस्मत की बात मत कीजिए, ठीक है रिश्ते ऊपर बनते होंगे आसमानों में, लेकिन तय तो यहां पे होते हैं ना। शादी करना चाहता हूं मैं तुमसे, तुम क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? और अगर मेरी किस्मत में कोई है तो सिर्फ तुम हो रानिया, सिर्फ तुम। तुम भूल सकते हो लेकिन मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैं एक बेवा, मैं भी डिवोर्सी हूं। क्या फर्क मुझ में तो? रानिया, शीश। मुझे कबूल कर लो। बताइए मुझे क्या वजह?
आया भू ये मेरा फैसला है अम्मी का नहीं है साजिदा ये हमारे खानदान में लड़कियों ने अपनी शादी खुद डिसाइड कब से करनी शुरू की है आई एम सो सॉरी ताब लेकिन मैं इंडिपेंडेंट एजुकेटेड लड़की अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक है मुझे तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें ये लड़का पसंद है मैं पूछ रहा हूं कि क्या हमजा के मुकाबले में ये लड़का तुमको पसंद है चले निहाल भाई दो मिनट आप बैठते तो मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ है कि आपने हमजा के मुकाबले में रानिया का रिश्ता किसी और के साथ कर दिया क्या बुराई है मेरे बेटे में निहाल भाई उसमें कोई बुराई नहीं वो लड़का हीरे जैसा तो फिर हमारे साथ ये मजाक आपने क्यों किया पहला हक हमारा था कोई बात नहीं सुनूंगा इस घर में अब इस मौजू पे कोई बहस नहीं होगी कट इट आउट हमेशा के लिए खत्म करो कैसे बात नहीं होगी मेरी जिंदगी का सवाल है हमारी जिंदगी का सवाल है तो हमारी इज्जत का सवाल है हम कब तक इस इनकार की जिल्लत को बर्दाश्त करेंगे रानिया ने खुद बोल दिया है और क्या चाहिए तुम्हें भाई बाबा मुझे एक बार उससे बात तो करने देते झूठ बोल रही थी वो तुम्हारी किसी किस्म की कोई इमोशनल तकरीर जो है वो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ प्लीज Stop it now! Too much! रानिया, रानिया, कौन लोग आए हैं घर पर तुमसे मतलब
ठीक है, वो जो आंटी आई है उनका तो समझ में आता है, लेकिन ये लड़का कौन? तुम्हें क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है? हमारे घर कौन आया, क्यों आया, कब आया, तुमसे मतलब? क्योंकि रानिया तुमसे जुड़ी हुई हर चीज में दिलचस्पी है मुझे। खुद को संभाले निहाल, ये कोई अनहोनी बात नहीं हुई है। जो हमारे बेटे के साथ हो रहा है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा। छोड़े ना, रानिया दुनिया की पहली और आखिरी लड़की नहीं है जिसकी वजह से इतना शोर मचा हुआ है। बस मैं क्या बताऊं, मेरे बेटे का जो इमोशनल टर्मोइल चल रहा है उसके अंदर, जो तोड़फोड़ उसमें हो रही है, मैं नहीं देख सकता। अब तुम ऐसा करो कि कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो ताकि इसकी शादी की जाए और ये भी जिंदगी में सेटल हो जाए। निहाल वो माने तब ना। इस दफा मैं उसको खुद मनाऊंगा। यस ठीक है, फिर अब सब हो जाएगा। सॉरी दाद, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट एजुकेटेड लड़की, अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक है मुझे। मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है तो हमारी इज्जत का सवाल है। हम कब तक इस इनकार की जिल्लत को बर्दाश्त करेंगे? रानिया ने खुद बोल दिया है, और क्या चाहिए तुम्हें भाई? बाबा मुझे एक बार उससे बात तो करने देते, झूठ बोल रही थी वो। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम्हारे दिमाग का कोई ना कोई पेच जरूर ढीला हो गया। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब कहां किससे क्या बात करनी। आपको क्या हो गया? सांप निकल गया, आप लकीर पीट रही हैं अभी तक। दिमाग खराब होने के साथ साथ बदतमीज भी होती जा रही हो तुम। मसला क्या है तुम्हारा? मैं हूं मसला, सबसे बड़ा मसला मैं हूं आप सबके लिए। जानती भी हो कि भाई साहब कितना हर्ट हुए हो। यकीन नाराज भी हो गए होंगे। अफसोस तो मुझे अपने भाई से। तुमने ये बात छुपाई क्यों? धोखा दिया मुझे, अपने भाई को। खैर, हम दरगुजर कर जाएंगे। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तुम्हारे दाग छुपा देंगे। निहाल, नहीं भाई साहब, आप भाभी को ले और इसी वक्त मेरे घर से चले जाएं। मेरी बेटी आपके घर की बहू नहीं बनेगी। उनकी जिद पूरे खानदान में मशहूर है।
कौन रखेगा तुम्हारे सर पे हाथ? गलत किया तुमने रानिया, बहुत गलत किया तुमने। जब आप रोए तो मत खुद को क्यों हलकान करी है? तो मुझे ये बता दो, मुझे किस गुनाह की सजा दे रही हो? काश तुम्हारे बाबा की जगह ना मैं चली गई होती इस दुनिया से। सब अजाब तो ना भुगतने पड़ते मुझे। क्या कह रही हैं हम मामा? कैसी बातें कह रही हैं आपके सिवा कौन है मेरा? आपने ही मजबूर किया था मुझे शादी के लिए। मैंने तो आपको इनकार कर दिया था ना कि मैं शादी नहीं करना चाहती। हाँ किया मजबूर मैंने। मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हमजा से। हमजा तुम्हें खुश रखेगा रानिया। मेरा पता नहीं मगर ताइया मैं कभी खुश ना रह पाती। आजकल तो कुंवारी लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते रानिया। तो फिर भी मैं तो कहती हूँ उसे फौरन रुखसत कर दो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि वो चाहती थी कि मैं इस रिश्ते के लिए इनकार करूं। वो इस सब चीजों के लिए मुझे मनहूस समझती हैं। किसी खौफ में मुब्तला है कि अगर उनके बेटे की शादी मुझसे हो गई तो उनके बेटे को नुकसान पहुंचेगा। वो अपना इकलौता बेटा गंवाना नहीं चाहती। और मामा मैं इतनी संगदिल नहीं हूं कि एक मां से उसका बेटा अलग कर दूं। ये नई कहानी सुनाई तुमने मुझे। नहीं तुम्हारे मुकद्दर में क्या लिखा है? आप परेशान मत हो, मैं मुतमईन हूं। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। और आगे भी उसने कुछ बेहतर ही सोचा होगा। आप परेशान मत हो, अल्लाह पर छोड़ दें सब।